सर एक्चुअली आप कांग्रेस में बहुत पुराने हैं और काफ़ी अच्छी भूमिका रही है। मेरा ये कहना है कि यहाँ पे जो बिजली की जो व्यवस्था है, अभी आपको चूंकि पता होगा कि यहाँ पे लाइट गुल हुई थी, इससे पूर्व में भी यहाँ पे जो है शिव कुमार कक्का जी आए थे, उनने भी बहुत सारी घोषणाएं की थी, परंतु बिजली के संबंध में आप क्या बोलेंगे? प्रमुख जो मूल समस्या है बिजली के बारे में आज मुझसे प्रश्न किया है। हाँ, बिजली शुरू से कांग्रेस की प्राथमिकता रही है। अच्छा, हाँ, जब से देश स्वतंत्र हुआ है पूरे जिले में जितने भी बिजली के काम हुए वो कांग्रेस ने कराए हैं। बराबर। जहाँ तक सौसर विधानसभा क्षेत्र की बात आती है, रामाकोना की बात आती है, तो निश्चित रूप से जब हमारी सरकार थी, जितने आज प्लांट खुले हैं, पावर प्लांट जितने भी बने हैं, वो हमारी सरकार ने प्रारंभ किए थे। उसके बाद दुर्भाग्य से हमारी सरकार चली गई। सच बोलकर हमने अपनी बात कही, भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोलकर लोगों को बहकाया और वोट दिया, लेकिन किंतु 15 साल के बाद भी आज पूरा मध्य प्रदेश का किसान, छिंदवाड़ा का किसान, सौसर का किसान और हर गांव का किसान आज भी परेशान है। किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव में यानी खड़े रहना चाहते हैं? जनरली यहाँ पे अगर मुद्दे की बात करते हैं तो यहाँ पे जो मेडिकल अस्पताल है वहाँ पे खास करके मेडिकल भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं, और दूसरी अगर यहाँ की प्रमुख समस्या की बात करते हैं तो यहाँ के जो रोड है, रोड का अगर आप कंस्ट्रक्शन देखते, मुख्यमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं कि यहाँ की जो रोड है अमेरिका से बेहतर है, और अगर आप रामूढ़ाना की अगर हालत जानते होंगे तो रामूढ़ाना में सबसे पहले हमारा चैनल पहुंचा था, और जब रामूढ़ाना की हम बात करते हैं, रामूढ़ाना में सबसे पहले क्या हुआ था कि वहाँ पे जैसे ही हमने खबर लगाई उसके बाद में यहाँ पे किसान नेता है और उन्होंने जैसे ही अजय चौधरी जी के नेतृत्व में जब बात की थी तभी उसके बाद में उन्हें राशि स्वीकृत की, तो वो राशि अभी तक के आई नहीं है। अभी आपने मुद्दों की बात करी, मुद्दे हमारे बहुत सारे हैं। भारतीय जनता पार्टी 15 साल के शासनकाल में अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने इसमें झूठ बोलकर सब लोगों को, किसान हो, मजदूर हो, हमारा महिला हो, हर वर्ग को उनने, विपक्ष इसमें किस तरह भूमिका निभा रही है? मैं कहना चाहता हूँ आपसे, बिल्कुल, कि आपने कही कि अमेरिका की सड़क जैसे छिंदवाड़ा की सड़क, मध्य प्रदेश की सड़क है। बराबर। मुख्यमंत्री जी, मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे नेता कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री से पूछा, जरा बुधनी की सड़क देख लीजिए, जरा बुधनी का विकास देख लीजिए, छिंदवाड़ा आकर यहाँ का देखे। मैं मुख्यमंत्री को चुनौती देना चाहता हूँ कि जहाँ कमलनाथ जी ने अच्छे काम किए, जहाँ कांग्रेस केंद्रित केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, जिन्होंने पैसा दिया, इतने विकास के कार्यक्रम हुए, जहाँ काम हुए उसके श्रेय मुख्यमंत्री लेना चाहते हैं। छिंदवाड़ा जिला हर व्यक्ति जानता है कि यहाँ की सड़क, यहाँ का हाईवे, यहाँ गाँव गाँव की रोड, प्रधानमंत्री योजना की रोड कमलनाथ जी ने बनवाई। कुछ काम जो छूटे हैं उसके लिए मुख्यमंत्री अपने आप को दोषी ठहराएंगे। वो रामाकोना की सड़क हो, हाईवे की सड़क हो, जहाँ अच्छी रोडें बनी है उसकी जरूर बात करेंगे, ये हमने बनाई है। रामूढ़ाना के बारे में पूछो कि रामूढ़ाना के लिए मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था कि ये सब सड़क गाँव की अच्छी होगी, तो रामूढ़ाना की सड़क क्यों नहीं बनाई? मेरा आपसे निवेदन है कि रामूढ़ाना की सड़क के बारे में भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछो, क्योंकि वो जहाँ से लेने की बात आती है तो वो अपने खुद का से लेने की बात करते हैं, जहाँ अच्छा काम नहीं हुआ तो कमलनाथ जी पे दोषारोपण करते हैं, कांग्रेस से दोषारोपण करते हैं। मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूँ, रामूढ़ाना की बात आपने करी, रामूढ़ाना की सड़क के लिए चूँकि आचार संहिता लग गई, हमारे सब कांग्रेस के साथी इस बात से अच्छी तरह परिचित है, जैसी हमारी सरकार बनती है रामूढ़ाना का मुद्दा आपने उठाया, मैं आपको विश्वासपूर्वक यह बात कहना चाहता हूँ, रामूढ़ाना की सड़क अच्छे से अच्छी बनेगी, और जैसे गांव वाले चाहते हैं, चाहे पुल हो, पुलिया हो, सड़क हो, उस गांव की हम प्राथमिकता के आधार पर, हमारे प्राथमिकता में रोड रहेगी, वो सड़क रहेगी। कमलनाथ जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद। मोगांव में भट्टी के लिए आपने किया था, चूंकि एक वहां पे विद्यालय है और आपके पूर्व उपाध्यक्ष नथू कलम्बे जो है, जो कि कमलनाथ जी के बहुत करीबी रहे हैं, अगर आपको ज्ञात होगा कि उनकी एक स्कूल है जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश स्कूल, वेदिका न्यू इंग्लिश स्कूल, उसी के बाजू में एक आपको पता होगा कि राहुल जायसवाल जी की भट्टी है, दारू की शराब भट्टी है, उसको आपने बंद करने के लिए पिछले बार में ज्ञापन वगैरह दिया था और धरना प्रदर्शन भी किया था, उसके बावजूद भी अभी भी भट्टी वैसे की वैसी है। साथियों, आप जानते हैं सब लोग कि शासन भारतीय जनता पार्टी का है। बराबर। हमारा काम आंदोलन करना, हमारा काम ज्ञापन देना, हमने अधिकारियों को ज्ञापन दिया, नाना भाऊ को पत्र लिखे, विधायक जी को कई बार निवेदन किया कि आपका शासन है, चाहे भट्टी वाला हो, वो चाहे अन्य कोई योजना वाला हो,
जहाँ जहाँ से रेत वाला हो, भट्टी वाला, ये सब तो भारतीय जनता पार्टी के नाना के संरक्षण में काम कर रहे हैं। जहाँ भट्टी नहीं थी वहाँ कुचिया चल रही, जहाँ कुचिया नहीं थी वहाँ सड़क पर बैठ कर शराब बेची जा रही। मैं नाना भाव से आप लोग पूछिए कि भट्टी के लिए हमने SDM को आवेदन दिया, कलेक्टर को आवेदन दिया, हमारे गवर्नर ने सभी पूरा वहाँ आंदोलन किया, लेकिन वो संरक्षण उसको जो प्राप्त है वो संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के विधायक नाना भाव को संरक्षण है। हमारी सरकार आज ऐसी आती है, आज हमको जो आश्वासन चाहे SDM ने दिया हो चाहे कलेक्टर ने दिया हो, आज इस बात को आप नोट कर लें। मीडिया के सामने मैं कह रहा हूँ, अपने साथियों के सामने कह रहा हूँ कि जिस दिन हमारी सरकार आएगी उसके 2 दिन के बाद 10 दिन के अंदर हम भट्टी को वहाँ से हटाकर उन छात्रों के लिए हम लोग पूरी राहत देंगे। यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ।